हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव मेडिसिन। इन दिस लेक्चर वी विल लर्न अबाउट गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। नाउ व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इन इन्फेंट्स, राइट? विल सी सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज इन इन्फेंट्स। इन इन्फेंट्स, इन द गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, इफ यू सी द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ जीईआरडी इन इन्फेंट्स इज फेलियर टू थ्राइव एंड रिकरेंट पल्मोनरी सिम्टम्स आर मोर कॉमन कॉम्प्लिकेशंस इन इन्फेंट्स, दैट इज चिल्ड्रन लेस देन 1 ईयर ऑफ एज। अपर जी आई ब्लीडिंग इज अनकॉमन इन इन्फेंट्स विद गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज एंड समटाइम्स द चाइल्ड एक्चुअली प्रेजेंस ऑफ रिकरेंट पल्मोनरी इन्फेक्शन इज द अर्ली इंडिकेटर ऑफ gastroesophageal reflex disease. If the patient has recurrent pulmonary symptoms that is frequent, and these are the early indicators of the pathological gastroesophageal reflex disease. And sometimes if the GERD is untreated, if the pathological GERD is untreated due to any disease, then the patient might develop stricture esophagus has a late complication. If the gastroesophageal reflex disease goes to untreated, in such cases the stricture esophagus is the late complication of gastroesophageal reflex disease. Thank you, and thank you for watching.